सबसे पहली बात तो यह है कि आप हम इस देश के सभी नागरिक आज कहीं ना कहीं किसी ना किसी डर में एक भय हमारे दिमाग में डालने की कोशिश की जा रही है। माउंटेन ड्यूक का प्रचार आप लोग टीवी पे देखे होंगे, उसमें कहता है कि डर के आगे जीत है। बीजेपी का नेता लोग इसको बहुत सीरियसली ले लिया है, लगता है उसको बहुत बार देखा है और उसको ये सच में भरोसा हो गया है कि डर के आगे ही जीत है। लेकिन हम भारत के लोग हैं और भारत का इतिहास हमको यह सिखाता है कि डर के आगे जीत नहीं होती है, डर के आगे गुलामी होती है। और यह गुलामी हमारे ऊपर तब थोपी जाती है जब हमको पहले डराया जाता है, फिर हमको आपस में लड़ाया जाता है। और आप देखेंगे कि यह सरकार दोनों काम हमारे साथ कर रही है, पहले डरा रही है फिर आपस में लड़ा रही है। अब एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि यह सरकार बोलती कुछ और है और करती कुछ और है। इसके मुख में कुछ और होता है, यह छुपा करके अपने पॉकेट में कुछ और चलती है। आप लोग ये कहावत सुने होंगे, मुख में राम बगल में छुरी। बीजेपी एग्जैक्टली यही हम लोगों के साथ कर रही है, मुख में राम बगल में नाथूराम। और इसको मैं सिर्फ लफाजी से नहीं आपके सामने रख रहा हूं। सबके मन में एक डर बिठा दिया गया है। कहीं ना कहीं हर किसी को यह मालूम होता है कि हमारे एंसेस्टर्स कहां से आए हैं, हमारे पूर्वज कहां से आए हैं, तो वो पता करने में लगा हुआ है कि कोई डॉक्यूमेंट है कि नहीं है। यह ऊपर से आप लोगों को देखने में लग सकता है कि यह घुसपैठियों का और मुसलमानों का मसला है। हकीकत में ये घुसपैठियों का और मुसलमानों का मामला नहीं है, ये हम सब का मामला है। इस बात को हम लोगों को समझना चाहिए। इसीलिए यह जो फोरम है, यह फोरम पीपल्स अगेंस्ट एनआरसी है। यह जो पीपल्स का कॉन्सेप्ट है, यह पीपल्स का कॉन्सेप्ट इस देश के संविधान की प्रस्तावना से ली गई है। इस देश के संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल का जो पहला लाइन है वो कहता है हम भारत के लोग। और इस लोग में हर धर्म के, हर संस्कृति के, हर भाषा बोली के, क्षेत्र के, पहचान के लोग शामिल हैं। और उनको आपस में बांटने के लिए जब एनआरसी की लिस्ट आसाम को लेकर के जारी हुई तो सरकार के द्वारा एक नया सबूत छोड़ा गया। सरकार ने यह कहा कि मुसलमानों को छोड़कर के बाकी सब लोगों को शरणार्थी बना दिया जाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात इसमें सुन लीजिए, एनआरसी की लिस्ट जब जारी होने वाली थी तो ऐसा माहौल बनाया जा रहा था कि 19 लाख में से 18 लाख मुसलमान होंगे। लेकिन जब फाइनल लिस्ट जारी हुई तो उसमें करीब 14.5 लाख, 13 लाख हिंदू और 1.5 लाख से ज्यादा गोरखा लोगों का नाम आया। और जो गोरखा लोगों का नाम आया है उसको जब आप गौर से देखेंगे उस फाइनल लिस्ट को, तो वैसे लोगों का नाम उससे डायल कर दिया गया है जिसके बिना इस देश का इतिहास पूरा नहीं हो सकता। इस देश के महान स्वतंत्रता सेनानी छविलाल उपाध्याय के परिवार के लोगों का नाम एनआरसी से बाहर कर दिया गया। गोरखा रेजिमेंट में काम करने वाले जो एक जवान है जिन्होंने इस देश की सेवा करते हुए अपनी जान गंवा दी, शहादत दी, उनके परिवार के लोगों का नाम गायब कर दिया गया। जिनको साहित्य अकादमी दिया गया है,
दुर्गा जी का मैं बात कर रहा हूं, उनके परिवार के लोगों का नाम गायब कर दिया गया है। और फिर गोरखा लोगों के बीच में भाजपा के लोगों ने कंफ्यूजन फैलाया कि अमित भाई ने बोल दिया है, हम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, नेता का बात और घोड़ा का लाभ का कोई भरोसा नहीं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अमित भाई ने उद्धव ठाकरे को भी कहा था कि 2.5 साल हम लोग मुख्यमंत्री होंगे। क्या